शुरू किया मैंने एस म्यूजिक डायरेक्टर, बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरों का। सो हे गाइस, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की न्यू वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देखा है, गाइस ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज आपका भाई बिल्कुल इजी मेथड से इस रील वीडियो की एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के आ गया हूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो, बट अगर अभी तक आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया। सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए वीपीएन ऐप को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लेना है, चाहे तो आप सुपर वीपीएन कर लेना डाउनलोड। ओके, एडिटिंग के लिए कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर न्यू लेटेस्ट कैपकट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पढ़ लेना, वहां पर मैंने आईफोन एंड एंड्रॉइड में कैसे डाउनलोड कर सकते हो सब बता रखा है। ओके, सो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। कोई भी गाइस, यहां से आपको अपनी एक वीडियो एडिट कर लेनी है। गाइस, हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। सबसे पहले इस वीडियो के म्यूजिक को यहां से हम म्यूट कर लेंगे और गाइस मैं अपनी वीडियो थोड़ा आगे से एडिट करना चाहता हूं, फालतू के पार्ट को डिलीट करना चाहता हूं। तो कहां से मुझे रखना है, मैं यहां से अपनी वीडियो को देख लूंगा, यहां से मुझे स्टार्ट करना है तो वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को जो हमारा फालतू का है इसको हम डिलीट कर देंगे। सो अब गाइस सबसे पहले अब हमें एक स्प्लिट लगा लेना, दो फिंगर की मदद से वीडियो को जूम करना है और ये देखना है 0 सेकंड और 5f, तो हमें जाना है फर्स्ट सेकंड पर, यानी कि 1 सेकंड पर। तो गाइस हम सिंपली यहां पर जाएंगे, 1 सेकंड ये आ गया और 1 सेकंड के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, सिंपली 15f पर, ठीक है। 1 सेकंड के बाद 5f, 10f, 15f, 15f पर आने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है और स्प्लिट कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट बचा है इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, देन राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 4 सेकंड पर, तो 2 सेकंड और ये देखिए 3 सेकंड, देन गाइस ये आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड पर आने के बाद गाइस फिर से वीडियो को क्लिक करके स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आया इस पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है, इसकी स्पीड कर देनी है 1.2x, देन राइट पर क्लिक कर देना है। और गाइस अब हमें एक स्प्लिट लगाना है 5 सेकंड पर, ठीक है। तो ये आ गया देखिए 5 सेकंड और सिंपली फिर से गाइस वीडियो पर क्लिक करके इसको स्प्लिट लगा देना है। उसके बाद गाइस अब हमें अपनी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है इसकी स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर इसकी स्पीड कर देनी है 0.3x, देन राइट पर क्लिक कर देना। गाइस आप इसको नोट कर लेना, मैंने भी नोट कर रखा है तभी आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। इसी काम में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बिल्कुल इजी से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हमने 5 सेकंड पर आके अपनी वीडियो को कर लिया 0.3x की स्पीड में। अब नेक्स्ट स्प्लिट हमें लगाना है 6 सेकंड, देन 7 सेकंड पर आए, 7 सेकंड के भी बाद में जो 5f, 10f, 15f, ठीक है, जो ये 15f आएगा इसके बाद जो 20f है इस पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट स्प्लिट लगा देना है, ठीक है। अब बस हमें जो है स्पीड में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली अब हमें जाना है 8 सेकंड पर और 8 सेकंड के बाद 20f पर, 5f, 10f, 15f, 20f और फिर से गाइस एक स्प्लिट लगा देना है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट एक स्प्लिट और लगाना है 10 सेकंड पर, 9 सेकंड ये आ गया और 10 सेकंड ये आ गया, फिर से गाइस स्प्लिट कर देना है, वन ऑफ द लास्ट स्प्लिट 10.5f, 10f, बस। ओके, अब हमें कोई स्प्लिट नहीं लगाना है, इसको छोटा कर लेना है, स्टार्टिंग में आना है, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ से हम एक ऑडियो ऐड कर लेंगे, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था। सो यहाँ पर हमने गाइस एक ऑडियो ऐड कर लेंगे जो कि ये है, इस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है और सेम ऐसी ही हम बनाने वाले हैं, आप टेंशन ना लें, ठीक है। और जहाँ तक हमारी ऑडियो है, इस ऑडियो के बार बार अपने वीडियो पर क्लिक करके और इसको स्प्लिट कर देंगे, फालतू के पार्ट को डिलीट कर देंगे, इस ऐप पर एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा इसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, अब स्टार्टिंग में आना है, ठीक है, और बैक आना है बिल्कुल, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। पहले मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, बाद में आपको वॉल्यूम के साथ एडिट हो जाएगी तो प्ले करके दिखा दूंगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है, हेलो ब्लर पर क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है, इंटेंसिटी को फुल और स्पीड को ओनली 15, ठीक है, देन राइट पर। और ये ऐप इफेक्ट हमें लगाना है ओनली फर्स्ट वाले पार्ट तक, अपने यहां तक। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बस इतना, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आना है और अब गाइस फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर मिलेगा नाइट क्लब पर, ठीक है, नाइट क्लब पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आएगा शेक पर क्लिक कर देना है, इसको भी राइट पर क्लिक कर देना है। अब इसे भी गाइस हमें कहाँ तक लगाना है, इसी हेलो ब्लर तक, जहाँ तक हमने हेलो ब्लर लगाया था, ठीक। अब फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है, वॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ग्लोइंग लाइन्स आएगा। लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट से थोड़ी सी पहले गाइस हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा इन विलोपिंग लाइट, ठीक है, इन विलोपिंग देन इसको लगाकर राइट पर क्लिक कर देना है और इस लाइट वाले इफेक्ट को भी ओनली हम यहाँ तक ही लगाएंगे, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक ही। अब फिर से स्टार्टिंग में आना है, वॉडी इफेक्ट पर ही क्लिक करना है, सॉरी वीडियो इफेक्ट पर, ठीक है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है
और नाइट क्लब पर आएंगे। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ना, या सॉरी लाइट इफेक्ट पर आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर गाइस हमें लाइट इफेक्ट एक मिल जाएगा, ये डेवलॉप, ठीक है। या तो आप ये लगा दो कि कोई और आपको लाइट अच्छा लग रहा हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, फिर कोई भी आप लगा देना। वैसे तो गाइस यहाँ पर लिफ्ट लगा देना, देन वाइट पर क्लिक कर देना है, और इसको भी गाइस हम यहाँ तक ही लगाने वाले हैं, ठीक है। बस यही आपने कर लिया तो प्रोफेशनल एडिट आपकी हो जाएगी। अब उसके बाद गाइस हमें जाना है सिंपली यहाँ पर, ये देखिए गाइस, अब गाइस हमें यहाँ पर आना है सिंपली, ये देखिए आप देख रहे हैं 3 सेकंड, ठीक है 3 सेकंड आप देख रहे हैं, 3 सेकंड से पहले जो 20 FPS है यहाँ पर आना है, और आने के बाद गाइस सिंपली वीडियो पर क्लिक करना है और दिख जाइए इस पर आपको एक बार और क्लिक करना है, इसकी स्पीड कर देनी है 55, ठीक है 55 पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसे हमें कहाँ तक लगाना है, नेक्स्ट वाले स्प्लिट तक, यानी कि यहाँ तक, इतना हो गया। अब गाइस इतना होने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, अपने इस वाले पार्ट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर से एनिमेशन, सॉरी गाइस वीडियो पर क्लिक करने के बाद गाइस बैक आना है और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है, और टू कलर ब्लैक एंड व्हाइट हमारा ये हो जाएगा, ओके। ये देखिए गाइस हमें लगाना है इस पार्ट तक, ठीक है। इस पार्ट की स्टार्टिंग से नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो हमने इफेक्ट लगाया है, ये इस पार्ट की स्टार्टिंग से नहीं लगाना है, ओनली मिडल से लगाना है, यानी कि 10 FPS से लगाना है ओनली, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप से हो गया। अब होने के बाद ये जो 5 सेकंड वाला पार्ट है हमारा, इस 5 सेकंड वाले पार्ट की बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बैक कर करके वीडियो को देख लेना, ओके। अब गाइस हमें क्या करना है, सॉरी स्क्रीनशॉट यहाँ पर लग गया, क्योंकि मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। सो हमने कहाँ पर क्लिक किया, 5 वाले पार्ट पर आए, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में मिलेगा इस हमें एक स्प्लिट, जैसे कि ये स्प्लिट पर क्लिक कर देना है, नीचे के साइड स्क्रॉल करेंगे तो मिरर द एक बार और क्लिक करना है, इसके फिल्टर को जीरो कर देना है, वर्टिकल कर देना है गाइस हमें यहाँ पर सिंपली, जितना आपको अच्छा लगे, जिसमें कि आपका फेस भी ना कट हो, ठीक है। तो इसको हमें वर्टिकल को अपने हिसाब से कर लेना, जैसे कि मैं इसको इतना कर लेना, ठीक है। देन राइट पर क्लिक कर लेना है, और राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, सिंपली इस पार्ट तक लगाना है, नेक्स्ट वाले पार्ट तक, ठीक। जहां पर हमने ये नेक्स्ट वाले पार्ट तक मिरर वाला इफेक्ट लगाया है, उसी का जो माइनस है, इसी के माइनस पर क्लिक करना है, और यहां पर हमें लाइट इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहां पर हमें लगाना है ये ओल्ड फिल्म, देन राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले माइनस इस पार्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद एनिमेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर गाइस ये लगा देना है, देन राइट पर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस पार्ट पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें रोक हॉरिजॉन्टल ऐड कर देना है, देन राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा लेना है, ठीक है। यानी कि गाइस आप यहाँ पर समझ गए कि हमने किस हिसाब से, किस तरह से आप अपने एनिमेशन एंड फिल्टर्स यहाँ पर हमने लगाए, ठीक है। और गाइस अब एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताता हूँ, ये आप लास्ट वाला माइनस देख रहे हैं ना, लास्ट वाला माइनस, इस लास्ट वाले माइनस पे, ये दोनों माइनस है इनको छोड़ के जो ये माइनस है, इस माइनस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइस हमें एक ये लगा देना है, ठीक है गाइस, इस टाइप से यहाँ पर हमें सुपर इम्पोज, ठीक है, ये सुपर इम्पोज ये लगा देना, देन राइट पर क्लिक कर देंगे, बस। अब जो हमारी जो रील है यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से एडिट हो चुकी है, और मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी जो वीडियो वो कैसी एडिट हुआ है। सो आपने देखा सेम उसी तरीके से प्रोफेशनल रील गाइस हमारे यहाँ पर एडिट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू ट्रेंड के साथ।